subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4. बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है और छोटी है तो जल्दी खत्म हो जाएगी. इंट्रोडक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है और एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, क्वेश्चन नहीं है बस. और चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9 मैथमेटिक्स. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, टाइम की वैसी बहुत कमी है. तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है ना बेटा, पहला और आखिरी कह लो है ना, वो है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यानी कि आपने इक्वेशंस ऐसी, मतलब ऐसी इक्वेशंस के बारे में आपने स्टडी करना है इस टॉपिक में जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है. ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं आपको समझ में आएंगी चीज़ें, बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें. देखते हैं है ना. तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 9. तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि आपके एनसीईआरटी के प्रश्न संख्या 76 पे है. ठीक है, 76 पेज नंबर पे है. और कहता है, क्या कहता है, कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3. देखो 2x + 1 = x - 3 आई थिंक सो. हाँ बिल्कुल, x - 3. आगे कहता है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर 1 द नंबर लाइन, नंबर 2 द कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन तो आपने सीख रखा है, हम दोनों पे इसको प्लॉट करके देखते हैं कैसे होता है. तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द इक्वेशन दैट इज 2x + 1 = x - 3. तो एक काम करते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, -3 ये इधर आएगा तो -4, 2x - x दैट इज x, सॉरी -4 क्यों लिख दिया मैंने, 1 था ना तो -1 लिखूंगा, अब आएगा -4. ठीक है, -माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, और 2x - 1 x गया तो x = -4. तो बच्चे सॉल्व तो हो गई, इससे आगे तो क्या ही सॉल्व होगी. अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. भाई फर्स्ट तो यही बोला था ना कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए. अब नंबर लाइन क्या होते हैं, 0 राइट साइड में पॉजिटिव है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे अगर इसको ना, तो ये है पी पॉइंट दैट इज x = -4 है ना. इतना ही था बिल्कुल सिंपल सा है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना था पहला. अब सेकंड पार्ट में कह रहा था कार्टेशियन प्लेन, यानी कि इसको कार्टेशियन प्लेन पे भी आपने प्लॉट करके दिखाना. तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं है ना. ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन आपको पता है कैसे बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से. तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश है. ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू -4 यानी कि मेरे को इस तरफ आना है और -4 तक ही आना है, ज़्यादा भी नहीं. तो मैं 5 तक ले लेता हूँ पॉइंट्स को, भाई शो तो कर ही देते ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4. चलो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं 5 तक नहीं लिख रहा हूँ. -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 और ये सारी माइनस के हैं क्योंकि यहाँ पे तो सोचना ही क्या है उसमें ना. ओके, अब देखिए भाई क्या बोला था, ये बोला था कि x की वैल्यू -4 को प्लॉट करो. अब x खाली -4 ही तो है ना, तो इस केस में भैया y क्या है, y 0 है. जब भी आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी देखो पॉइंट है आपके पास, जो पॉइंट होता है ना भाई, सॉल्यूशन को पॉइंट ही कहते हैं ना. पॉइंट कुछ इस तरीके से हो, मतलब मान लो कि x, 0, या फिर पॉइंट कुछ इस तरीके से हो कि 0, y है ना भाई, यही तो होंगे ना. अब ये x जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये y जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. बस आप ध्यान देना कि जब भी आपके पास एक सिंगल पॉइंट है, ये देखो ना आपके पास सिंगल पॉइंट ही तो है इस फॉर्म में, -4, 0 ही तो है भाई, y तो 0 ही है ना, y कुछ है ही नहीं तो 0 है ना भाई. तो यानी कि जब भी आपके पास सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट, क्योंकि देखो दो पॉइंट होंगे ना तो आप हमेशा लाइन उस हिसाब से खींच दोगे, मानते हो ना बात. लेकिन आप सिंगल पॉइंट पर लाइन कैसे खींचते हैं, हमेशा याद रखना सिंगल पॉइंट पर लाइन आप एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हो. ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे था तो ये वाला इस केस में कैसे होता है बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल.
यानी कि जो आपने लाइन बनानी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ऐसे। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट था तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा जो कि कहाँ से पास हो रहा होगा, एक्स की वैल्यू माइनस चार से पास हो रहा होगा। तो ये रही वाई एक्सिस, इसके पैरेलल और एक्स की वैल्यू माइनस चार से पास कराना है, तो यहाँ से ये पास करा। और आप चेक कर लो बेटा ये इसके पैरेलल है ना, कभी मीट नहीं कर सकते, है ना, पैरेलल का मतलब ये होता है। तो ये आपकी इक्वेशन अगर आपने लिखना है तो इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो लिख सकते हो क्योंकि माइनस चार इधर आगे तो प्लस चार ही बनेगा, या एक्स इक्वल टू माइनस चार भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो माइनस चार से मैंने एक इक्वेशन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप बस इतना सा ध्यान रखना कि आपका जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन, और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है यानी कि इस तरीके का तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे बनेगी, समझ रहे ना बात को। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था, और इसके अलावा इसमें कुछ था भी नहीं खास। अब लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या लिखा है, और इसमें कुछ और तो नहीं है ये भी देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जांपल नंबर 9 में तो बस यही दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और कुछ नहीं था इसमें फिलहाल, ठीक है। और अब आप एक काम कर सकते हैं, कि चलो मैं एक काम करता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं ना आपको, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा रफ करके ये वाला पोर्शन रफ करके आपको एक्सरसाइज की हिंट देता हूँ, है ना। तो फिर आप सेल्फ भी ट्राई कर लोगे क्योंकि कोई ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। तो देखिए ये है एक्सरसाइज 4.4, ठीक है बच्चों, और इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है। तो पहले पहला देख लो जो कि पेज नंबर 77 पे है एनसीईआरटी में। देखो कहता है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल का मतलब यही होता है, नंबर लाइन को वन वेरिएबल कहते हैं। तो आपने वाई को 3 प्लॉट करा देना, देखो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे कहीं पर प्लॉट हो जाएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप कर लेना, मैं तो हिंट दे रहा हूँ। और पहले केस में तो ये था कि भाई इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल, यानी कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो, तो कार्टेशियन प्लेन पे जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि देखो पॉइंट आपका क्या है बेटा 0, 3 है, पॉइंट तो ये बन रहा है ना, और पॉइंट किस पे वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल जाएगा, और प्लस का 3 है तो ऊपर जाएगा, देखो ना 1 गेरा 2 गेरा 3 गेरा, तो इस इधर से पैरेलल चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, कुछ इस तरीके से। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिए, प्रॉपर आप खुद करना। तो ये था बेटा पहला पार्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, छोटा सा बस हिंट दी थी मैंने। और इसका दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9, ये सेकंड है, सेकंड के लिए हिंट है, कहता है कि 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो देखते हैं एक बार, वन वेरिएबल मतलब वही नंबर लाइन पे करना है आपने, टू वेरिएबल मतलब कार्टेशियन प्लेन पे, है ना। तो पहले तो सॉल्व कर लो इसको यार, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, -9, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -9/2, और -9/2 का मतलब 4.5 होता है, तो 4.5 आएगा। अब इसको जब नंबर लाइन पे डालोगे तो -4.5 इस तरफ ही आएगा ना, जैसे ये आया था, तो ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 रहा, ये 5 रहा, तो 4.5 यहाँ पे आएगा, देखो ना, -1, -2, -3, -4, -5 इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 4.5। तो ये आपका पॉइंट प्लॉट हो गया, पी पॉइंट से डिनोट कर दो x = -4.5, है ना, ठीक है, अगर आपको डिनोट करना है तो, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ पे ये पी पॉइंट से रिप्रेजेंट हो गया ये 4.5 माइनस का। अब इसी को अगर आपने कार्टेशियन प्लेन यानी कि इन टू वेरिएबल दिखाना है तो आप टू वेरिएबल में दिखा दो, देखो ना x की वैल्यू तो नेगेटिव यहाँ पे ही होती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि ये रहा 4.5। अब इसके पैरेलल खींच दो बस, सॉरी 4.5 से, है ना, ये रहा 4.5, ये तो 5 हो गया, देखो ना 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये सारे माइनस आ गए, तो 4.5 यहीं से जाएगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल, समझ रहे हो बात को बच्चों। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिए, प्रॉपरली नहीं कराया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपरली नहीं कराया क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत ईजी थे, इसमें कराने लायक कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो यही था, और आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है ऐसा, नहीं वैसे तो कुछ बचा भी नहीं है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन के साथ,
तो बस बच्चों क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना और मिलते हैं बच्चों आपसे नए चैप्टर के साथ, और देखते हैं चैप्टर पांचवा करते हैं या कोई और, है ना? ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय.